तो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल न्यूज दीप। मैं आपका दोस्त दीपक और आज के इस वीडियो में बहुत सारा न्यूज लेकर आ चुका हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला न्यूज आता है वो आता है रजत दलाल के बारे में। जी हां दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था कि रजत दलाल जेल गए थे और वो जेल इसलिए गए थे क्योंकि एक स्टूडेंट उनके ऊपर एक एलिगेशन लगाया था, जहां पर वो लड़का बताता है कि रजत दलाल ने उस लड़के को किडनैप किया था और उसके ऊपर सुसु भी करवाया था और उसने पापा बुलवाकर ऐसे सॉरी भी मंगवाया था। तो इसी चीज को लेकर के जो है रजत दलाल को जेल हुआ था। और दोस्तों, रजत दलाल को चारों तरफ से बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फ्लाइंग बीस्ट अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं जहां पर उन्होंने रजत दलाल के बारे में कुछ रिएक्ट किया है, बोला है। तो चलिए मैं आपको वीडियो का क्लिप दिखा देता हूँ। गाइस सॉरी, मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात थोड़ा कम करता हूँ, बट मैंने अभी न्यूज़ चैनल्स होते हैं तो न्यूज़ देखी कि किसी एक बंदे ने जिम में रील बनी थी तो उसको पसंद नहीं आया, वो उठा लिया, फेस पे सुसु किया, मारा, एबडक्ट कर लिया। और शर्म की बात यह है कि कुछ बड़े क्रिएटर्स उसके साथ कोलैब कर रहे हैं कॉन्टेंट के लिए। गुंडे हैं भाई ये लोग, इनको बॉयकॉट करना चाहिए, सोशल मीडिया से हटाना चाहिए। हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आई है। इसके बारे में पहले कभी बात नहीं की क्योंकि जो क्रिएटर्स कोलैब कर रहे हैं वो अपने मित्र भाई हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि समझ लो, बट बहुत गलत चीज़ है। मैं खुल के बोल रहा हूँ भाई, सारे व्यूज़ चैनल सब यहीं रह जाएगा, जब ऊपर जाएंगे तो ये ले के नहीं जाएंगे, ऊपर अपने कर्म लेके जाएंगे। और ऐसे कर्म लेके जाएंगे तो भगवान को क्या मुँह दिखाएंगे भाई, ये मुझे नहीं पता। बहुत बहुत ज़्यादा शौक में हूँ मैं कि ये कहाँ पहुँच गए हम। हम गुंडों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और जब वही हमारे परिवार में होता है तो हमें तब समझ में आता है कि यार ये तो हमारे परिवार हमारे साथ ऐसा हो गया। और जितने भी गुंडे हैं ये सब हिंदू धर्म के वो बन रुक चुके हैं, आजकल फेस बन चुके हैं और सारे गलत काम ये करते हैं। पंच महापाप होते हैं हिंदू धर्म में: हिंसा, हत्या, परस्त्रीगमन, शराब पीना, द्वित कीड़ा, जुआ खेलना और चोरी करना। और सारे ये सब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं और अपने आप को बताते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, पंच महापाप करते हुए भी ये अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं। तो गाइज, हमारा जो अगला न्यूज आता है वो रजत दलाल के ऊपर ही है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी जो रजत दलाल के ऊपर जो भी केस लगा है इसके बारे में रजत दलाल ने कुछ रिप्लाई करा है अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, तो उन्होंने कुछ ये कहा है। तो भाई कैसे हैं सब? सबको पता ही होगा कि मेरी अरेस्ट हो गई थी, मैं अरेस्टेड था, पर कुछ चीजें मेरे को ही जेल से आने के बाद, सब निपटने के बाद पता चली हैं, जो कि मैंने करी हैं वो मुझे पता ही नहीं था। एक जगह आया हुआ है कि मैंने किसी के मुंह पे पेशाब करा है, एक जगह आया मैंने ब्रूटली किसी को मारा है, और एक था मैंने किसी से स्टूल साफ कराया है। बिलो द बेल्ट जाने की चीजें मेरे को समझ नहीं आती क्या है। मैं भी भाई इंसान हूँ और ये इंसानों वाले काम नहीं है, ये मेरे को बहुत अच्छे से चीज पता है। और FIR में क्या लिखा हुआ है? इतना लिखा हुआ भाई, मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं गलत हूँ और मैं गलत था तो मैं जेल से बाहर कैसे हूँ, मेरे को बेल कैसे मिलेगी? अगर मैंने कोई गुनाह करा है तो मैं जेल के अंदर होना चाहिए ना, मैं जेल के बाहर कैसे? जो हमारा पुलिस प्रशासन है उसको भी सारी चीजें समझ में आती है, किसने क्या चीज करी है, क्या नहीं करी। कोर्ट में हियरिंग हुई थी और जो मेरे ऊपर केस लगा था किडनैपिंग का, अपहरण का, दो तीन उसमें धाराएं और भी थी, उसमें बेल मिलने का कोई पॉइंट ही नहीं होता भाई। जो हमारे जज बैठे हैं माननीय है, उनको बहुत अच्छे से समझ में होती है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। और क्या क्या चीजें थी एक बार देख लो, लग गया था ना, इतना ही था। मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैंने कुछ करा होता तो मैं बाहर कैसे हो जाता ना? मेरे को बिना किसी नोटिस के पुलिस वालों ने उठाया, जो कि कानूनी रूप से जायज चीज नहीं। वहां पे एक जगह आया हुआ है कि मैंने मारपीट करी, भाई मेरे हाथों में बहुत अच्छी खासी जान होगी, अगर किसी को मारूंगा तो किसी के निशान तो आएगा ना। उस लड़के के पूरे शरीर पे एक निशान नहीं है, सिंगल एक निशान। और जो उसमें बोला हुआ है कि मैंने किसी की पसलियां तोड़ दी, अगर पसलियां टूटती हैं तो कहीं फ्रैक्चर होता है, कहीं निशान आता है, कहीं कलर तो चेंज होता है ना, उसमें सब कुछ। तो गाइस बात कर लेते अगले न्यूज के बारे में। तो अगला न्यूज आता है नीट एग्जाम के बारे में। जी हां दोस्तों, काफी लोग जो है, काफी स्टूडेंट जो है इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब NTA ने भी अपने तरफ से कुछ क्लेरिफिकेशन एक पोस्ट करा है, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे। और NTA ने सबसे पहले बात इस चीज को लेकर के किया है कि 2024 में कटअप इतना हाई कैसे हो गया, और NTA ने नीचे टोटल मार्क्स भी दिखाया है जो कि उन्होंने बताया कि ये धीरे धीरे हाई कैसे हो गया। और दोस्तों NTA के बारे में अलग पांडे ने भी कुछ कहा है, कुछ अपने वीडियो में रिप्लाई करा है, तो चलिए मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये एक बच्चा है या बच्ची है जिसके OMR शीट को मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। इस OMR से कैलकुलेट करोगे तो इसके 368 नंबर आएंगे, पेपर कोड भी मेंशन है यहां से इसके 368 नंबर आ रहे हैं। और ये रहा NTA द्वारा जारी किया गया इसका नीट का रिजल्ट, यहाँ पे इसके 453 नंबर आ रहे हैं, यानी कुल 85 नंबर का इसे ग्रेस मिला या कैसे हासिल हुआ।
और 85 नंबर की ग्रेस से इसकी रैंक लाखों आगे चली गई होगी और एक नॉर्मल बच्चा लाखों रैंक पीछे गया है। ना जाने ऐसा कितने रिजल्ट के साथ हुआ है, इसीलिए इस बार कट ऑफ इतना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिर्फ अलग पांडे ही नहीं बल्कि ध्रुव राठी ने भी इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुनावर फारूकी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करा है, पढ़ाई को धंधा तो कब का बना दिया था, स्कैम बनाना बाकी था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुनावर फारूकी के इस ट्वीट के बाद मुनावर फारूकी को ट्रोल किया जा रहा है, जहां पर उन्होंने उनको ट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने परीक्षा गलत लिख दिया है। तो इसी चीज को देखते हुए सम्राट भाई ने वह परीक्षा होता है परीक्षा नहीं ऐसा कुछ ट्वीट करा है। तो बाकी इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइस हमारा अगला न्यूज आता है एलविस यादव वर्सेज ध्रुव राठी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली आपको पता होगा एलविस यादव ने ध्रुव राठी के ऊपर एक रोस्ट वीडियो बनाया था, जहां पर उन्होंने ध्रुव राठी को रोस्ट करा था और ध्रुव राठी ने अपने पिछले वीडियो में एलविस यादव को रिप्लाई भी दिया था। इसी चीज को देखते हुए मीडिया वालों ने एलविस यादव से पूछा कि क्या भाई आप फिर से ध्रुव राठी को रोस्ट करने वाले हो, तो ध्रुव राठी को रोस्ट करने के लिए एलविस यादव ने क्या कुछ रिप्लाई करा है, आइए मैं आपको वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। अभी और वीडियो भी आएंगे। क्या बात कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, थैंक यू।